अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो नीचे वीडियो चल रही है। ये अभी जुमे के नमाज की वीडियो है। दिल्ली में इंदरलोक एक जगह है, वहाँ की जमा मस्जिद है। जो ये नमाजी के साथ इस पुलिस वाले ने बर्ताव किया है, माना कि गलती है कि ये सड़क की जगह पर नमाज़ पढ़ रहा था, लेकिन ये इसे नमाज़ के बाद भी तो इससे बात कर सकता था। लेकिन जिस तरीके से इसने व्यवहार दिखाया, जिस तरीके से इसने सलूक किया इसके साथ, इसके लात मारी जिस तरीके से, ये यकीनन दिल को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ है और ये बहुत ही बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह से कोई अपने कोई ऊपर वाले परमात्मा से अपनी लो लगा के बैठा हुआ था और तुम उसके आगे लात मार रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पुलिस वाले को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इसने जो गलती की है वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के राज्यपाल वी के सक्सेना से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इसे तुरंत सस्पेंड करें या तुरंत इस पर कार्रवाई की, ताकि आगे से कोई चीज़ ना हो सके। अगर इसकी गलती थी नमाज़ पढ़ने वाले की, उसे सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन नमाज की हालत में जो उसके साथ बर्ताव किया है वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस पर ये मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूँ कि इस पर तुरंत एक्शन ले जाए, क्योंकि ये हालात ख़राब कर देने वाली चीज़ें हैं। इस वीडियो जो दिख रहा है इसमें बहुत दिल को ठेस पहुँच रही है, तो तत्काल इस पर एक्शन लिया जाएगा और इस जो माहौल ये गरमाया हुआ है इस पर शांति की हम पूरी अपील बना के रखेंगे और हम पूरा प्रशासन को सपोर्ट भी करेंगे। अगर ये कुछ इस पर दंगा ना हो तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन और कार्रवाई की जाए। हमें उम्मीद है इस पर एक्शन होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।